जय श्री राम सभी किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत मंगेशिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर करें, पास में घंटी का निशान जोड़ दबाएं ताकि अच्छी अच्छी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गुरुवार का दिन और हम आए हैं भवरासा की पशु मंडी, हर गुरुवार को लगती है। तो आइए, आज का क्या रेट चल रहा है मंडी का जानकारी देते हैं। आइए लेकर चलते हैं और कुछ अच्छे पशुओं की जानकारी देते हैं आप सभी किसान भाइयों को। एक गाय इधर दिखाई दे रही है, इसकी जाने ये कैकी गाय कई कीमत कर रही है आपकी? 45 देख सकते हैं, 45,000 रुपये की कीमत की गाय। और क्या बना अभी कौन सा गांव की है? बड़छापुर। व्यापार करो भाई, कई नाम आपको? शाहरुख भाई। तो देख सकते हैं शाहरुख भाई की गाय। जिस भी किसान भाई को खरीदना हो तो अपने पास की है कि खरीदी हुई है? अभी हाल ली है अपन ने। कितने में खरीदी है? 40,000 रुपये में। देख सकते हैं 40,000 रुपये में भाई ने खरीदी है अभी। और इस टाइप के पशु जो हैं वो आपको भवरासा की पशु मंडी के अंदर मिल जाएंगे। तो और डिटेल देते हैं कुछ एक गायों की, देख सकते हैं किस टाइप के पशु आते हैं यहाँ पे। और एक उधर शंकर नस्ल की गाय। और कई हालचाल? बढ़िया। कई लाया गाय? देख सकते हैं एक गाय। और इधर दिखाते हैं साहिवाल क्रॉस में, ग्यावन है कई? अभी ग्यावन है। तो छोड़ी बताओ यार, दुबली बहुत है यार। बाकी किसान में बात की, देख सकते हैं एक साहिवाल क्रॉस में थोड़ी गाय जरूर दुबली। कीमत क्या कर रहे हो? कीमत इसके 30,000। 30? देख सकते हैं मात्र 30,000 रुपए की गाय। चार ही थन चालू है इसके? चार ही थन चालू। नाम क्या आपका? विष्णु माली। हाँ। गांव? भवरासा। देख सकते हैं विष्णु भाई की गाय। व्यापार करते हो? अच्छा, तो विष्णु भाई हैं जो व्यापार करते हैं। जिस भी किसान भाई को इस टाइप का पशु खरीदना तो मात्र 30,000 रुपए की गाय। देख सकते हैं ये भी अपनी है क्या? कितनी कीमत इसकी? 35। ये 30, ये 35, ऐसा क्यों? वो नहीं है। अच्छा ऐसा। देख सकते हैं ये जो है ये 35,000 रुपए की है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ये की गाय आपकी है? कहाँ गाँव की है? भूतिया खजूर है की? कई नाम यहाँ हो जाता है। भूतिया बुजुर्ग, क्या नाम आपका? ललित। ललित, तो ललित भाई की गाय। क्या है डिटेल इसकी, कितना दूध लग रही? अभी दूध लग रही है 7 लीटर। 7? हाँ। एक टाइम का? एक टाइम लग तो नहीं रही यार भाई, 7 किलो लगती है ऐसा? हाँ। और ये कितने है, 3-1 महीने की? 3 महीने की नहीं है, 1.5 से ऊपर की है। 1.5 से ऊपर की है, तो 1.5 से 2 महीने की। केड़ा केड़ी? केड़ा जनी हुई है। और कीमत इसकी? 45। कितने तक हो जाएगी? 32 के आसपास हो जाएगी, 30-32, 35 तक होगी। तो 35 तक व्यापार करो? नहीं किसान। किसान हो? हाँ। अच्छा, तो आपको मोबाइल नंबर का ये? 888-888-91। हाँ। 3-5-6-7-6-6-7-6। हाँ। नाम? ललित। ललित भाई से संपर्क करके और खरीद सकता है जिस भी किसान भाई को खरीदनी हो। दूध वाकई में है 7-1 किलो? तो 7 किलो दूध बता रहे हैं, बाकी लग तो नहीं रही है। काका एक ही कई कीमत है? 22 मांगी रहा हो? कौन सा गांव की है? अच्छा, तो 22,000 रुपए की गाय देख सकते हैं आप। दूध की कितनी तो लगी रही है? 3 लीटर। पछाड़े तो कहीं भी नहीं हो, देखते हैं जो भी। 3 लीटर दूध बता रहे हैं काका और 22,000 रुपए कीमत बता रहे हैं। एक ये गाय भी बैठी हुई है, तो इसको बैठी रहने दो। और जो भवरासा पशु मंडी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भैंसे हैं वो ज़्यादा आती है, गाय जो है वो। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो देख सकते हैं और कुछ एक पशुओं की जानकारी देते हैं। इसकी क्या कीमत भाई साहब? 35,000 रुपए। देख सकते हैं 35,000 रुपए की गाय। कौन से गांव की है? देवगुराड़िया। दूध कितना लग रही? 5 लीटर। 5-5। नीचे का ही केड़ो केड़ी? केड़ी। 1.5 महीने की? 1.5 महीने की। 1.5 महीने की। तो देख सकते हैं इस टाइप के पशु जो है। फाइनल कितने हो जाएगी? 28-30 के आसपास हो जाएगी।
तो देख सकते हैं 20,000 रुपये तक बता रहे हैं कि हो जाएगी। मोबाइल नंबर का ही तुम्हारा 94248 56876। नाम आपका? भगवान सिंह जी की है। जिस भी किसान भाई को खरीदना हो तो भाई साहब से संपर्क करके और ले सकता है। देख सकते हैं इस टाइप के पशु जो है वो भौरासा पशु मंडी के अंदर आते हैं। और ये बालक की इधर गाय बताते हैं, इसका कितना पैसा मांग रहा बेटा? किसकी? उनकी है भाई साहब। गाय की कीमत, कीमत कही कर रहे हैं? कीमत 40। देख सकते हैं 40,000 रुपये की गाय। ग्यावन है क्या अभी? कितने कितना? 15 लीटर दो ही टाइम का। बच्चा अच्छा नहीं है? बच्चा नहीं है। कौन से गांव की है? भौरासा की। नाम आपका? अशोक प्रजापति जी, घोड़ी वाले जो कि एक गाय लेकर आए हैं। तो व्यापार करते हो क्या आप भी इसका? गाय होगा घोड़ी का काम है। अच्छा, घोड़ी का काम है मेन। तो मोबाइल नंबर क्या आपका? 99812 52690। जिस भी किसान भाई को खरीदना हो भाई साहब से संपर्क करके और दूध लगा के। घोड़ियों का काम है? अच्छा, ब्याह शादी का। तो देख सकते हैं ब्याह शादी का काम है घोड़ियों का। और किसी किसान भाई को अगर घोड़ियों का कुछ काम हो तो भाई साहब से संपर्क कर लेना। इनका मोबाइल नंबर मैंने दे ही दिया है। नाम क्या बताया था आपने? अशोक प्रजापति जी। अशोक भाई साहब से बात कर लेना। जिस भी किसान भाई को अगर घोड़ा घोड़ी का ब्याह शादी के लिए अगर चाहिए तो इसकी क्या कीमत करोगे? का 8,000। दूध कितना है? 3। तो 8,000 रुपये की गाय। और देख सकते हैं 3-3 किलो दूध बता रहे हैं। थोड़ी सी है, 3-1 महीने की जनी भी? डेढ़ महीने की, डेढ़ महीने की बता रहे हैं भाई साहब। इसकी क्या कीमत कर रहे हैं? 21। देख सकते हैं 21,000 रुपये की गाय। थोड़ा छोड़ी के आगे करो, नहीं आ रखे ग्यावन है कहीं? वो देख सकते हैं एक मारवाड़ी गाय किसान की। और दे देगी 2.5 लीटर 2.5 लीटर 4 लीटर देख सकते हैं 4 लीटर दूध बता रहे हैं। अरे गिर तो नहीं है वहाँ है, तो अपने देसी का ही गिर नहीं है। तो कीमत कहीं कर लिया? 21,000 रुपये। नाम तुम्हारो? सोनू भाई। व्यापार करो भाई? अच्छा, सोनू भाई व्यापार करते हैं। इस टाइप के पशु जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, कुछ अच्छे भैंसों की जानकारी देते हैं आपको। और एक इधर देसी नस्ल की केड़ी, इसकी जानकारी और देते हैं आपको। ये किसकी है भाई साहब? कीमत कहीं कर रही है? कीमत इसकी? कीमत 21,000। 21,000 मारा है कहीं? थोड़ी झुंझ कर है या तो भुराड़ी हुई है अभी जाने दो। अच्छा, वो कहीं भी नहीं मारनो मिलनो रजिस्टर हो। अच्छा, दूध कितना लग रही है? 2.5 लीटर दूध। 2.5 लीटर दूध है। और फाइनल कीमत क्या रहेगी इसकी? 21,000 रुपये हो जाएगी। 15 के आसपास नहीं होगी फिर? हम बताओ नहीं, वो तो अपन तो वीडियो डाल देंगे। आपको कोई किसान को लेनी होगी तो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर लेगा। अपना यूट्यूब पे चैनल है। 18,000 रुपये में तो देख सकते हैं 18,000 रुपये की पेलाती है क्या? पेलात 18,000 रुपये की पेलात केड़ी, जिसके नीचे 2.5 लीटर दूध। जिस भी किसान भाई को अगर खरीदना हो तो इनके घर पे दूध लगा के और खरीद सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी तेजपन दिख रहा है उसमें। यहाँ पर हाथ लगाएगी? हाँ बताओ बताओ बताओ, हाथ तो लगाना बहुत जरूरी है। ये देख सकते हैं हाथ वाथ तो ये सब फेर रहे हैं। और जिसको लेना हो तो यूँ बहुत अच्छी है केड़ी, साफ सुथरी दिख रही है। बस वो दूध देते वो है, बाकी आप इनसे संपर्क कर लेना। मोबाइल नंबर का भाई साहब तुम्हारा? 97 97 42 73 40 42 73 40। तो जिस भी समय खरीदना हो तो भाई साहब से संपर्क करके और ले सकता है। हाँ वही तो, थोड़ी लेकर चलते हैं। कुछ अच्छे पशुओं की जानकारी देते हैं आपको। और देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार क्वालिटी की भैंसे आपको भौरासा पशु मंडी के अंदर मिल जाएगी, जो कि गुरुवार के दिन लगती है भौरासा गांव में। क्या हालचाल साहब? देख सकते हैं कुछ अच्छे पशुओं की जानकारी देते हैं। और कैसे हो? बढ़िया, छोड़ दे बाड़ी। कैसे हो उनकी? बढ़िया सर, बढ़िया। चाय पी के जाना? बस चाय तो पी अभी हाल भाई साहब के साथ। मैंने देख सकते हैं आप कैसी क्या क्वालिटी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और देख सकते हैं आप पैसों की क्वालिटी, ग्यावन है कि जनी भी है? दोनों 5-5 लीटर। कीमत? कीमत 1,00,000 रुपये 95,000। ये सीधा हाथ पे थी वो 95? 95,000। 1,00,000 रुपये की कीमत के भैंसे जो है वो भौरासा पशु मंडी यूसुफ भाई की जो दावणी पे आपको मिल जाएगी। और
ये देख सकते हैं वो वाली वो दुजात में नहीं थी, अच्छा ये वाली है। तो जिस भी किसान भाई को खरीदना हो तो भवरासा पशु मंडी आ सकता है यूसुफ भाई के पास में और खरीद सकता है। जो भाव तोल मोल जो है वो तो हो जाएगा, वो आपको यहीं पे आना पड़ेगा उसके लिए। बाकी ये है कि अच्छी भैंसें जो है वो रखते हैं और कुछ एक अच्छी क्वालिटी के पशु जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा 12 लीटर थोड़ी सी 6-6 लीटर दूध बता रहे हैं भाई साहब। और इसकी कितनी है कीमत? एक पंद्रह तो 1,15,000 रुपये इसकी मांग है। और जो भी किसान भाई को अगर खरीदना हो तो यहाँ पर आके और इनसे संपर्क करके खरीद सकता है। देख सकते हैं बिल्कुल ठोक के बात करते हैं यूसुफ भाई की, अगर किसी भी प्रकार की थनों में अगर कोई मिस्टेक आ जाए, काटा बाघर की कोई दिक्कत आ जाए तो वो वापस हो जाएगी। और दूध जो बता रहे हैं उससे कम अगर होगा तो भी वो वापस कर लेंगे। इस टाइप के पशु जो है वो आपको भवरासा की पशु मंडी के अंदर मिलेंगे। और अच्छा तो बिल्कुल ठोक के बात कर रहे थे, मतलब उनकी जो पशु है वो अच्छी क्वालिटी का ही होगा। और दिखाते हैं कुछ और अच्छे पशुओं की जानकारी आपको। और पानी जो है वो आ गया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे व्यापारी जो हैं वो भैंसे लाते हैं, तो एक एक व्यापारी उनकी तो नहीं बता सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम कि कोई सी एक आधी अच्छी एक भैंस देख सकते हैं। ये काफ़ी फुल्ले सिंह की जो भैंस है वो ऑर्डर से अच्छी, और ये नीचे उसका बच्चा पूछते हैं क्या कीमत हो रही है भाई साहब उसकी? 95,000 रुपये। 6 किलो दूध है पहाड़ी का नाम। अच्छा तो 6-6 किलो दूध बता रहे हैं भाई साहब, और 95,000 रुपये की कीमत है। कितने टाइम की चनी है ये? 15 दिन की चनी है। 15 दिन की, 10 से 15 दिन यार। बाकी सींग क्या है खुले में है नहीं, उस हिसाब से अपने क्या है कि मुर्रा होती तो फिर भी कितने तक हो जाए? ये मान लो हो जाए 75 के में रनी हो, 85 तक होगी, 80-85 के आसपास होगी। देख सकते हैं इस टाइप के पशु जो हैं वो 80 से 85,000 रुपए की कीमत में आपको भवरासा पशु मंडी में आपको मिलेंगे। नाम क्या आपका? गुंदू पठान। गुन से यहीं के भवरासा के? सिया के हैं। और देख सकते हैं आप और भी काफी शानदार क्वालिटी की भैंसा आपको यहाँ पर भवरासा की पशु मंडी के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, और ज़्यादा जो है इस यहाँ पर भैंसें ही मिलेगी आपको, क्योंकि गायें यहाँ पर ज़्यादा आती नहीं है। और बाकड़ी भैंस भी अगर किसी किसान भाई को खरीदना हो तो बाकड़ी भैंसें भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक इधर ये पाड़ी है, इसकी जानकारी लेते हैं क्या कीमत हो रही भाई साहब इसकी? कीमत क्या कर रहे हो उसकी? 75,000 रुपये। अच्छा देख सकते हैं 75,000 रुपये कीमत हो रही है। दूध कितना लग रही है? 4 लीटर। 4 लीटर कौन से गाँव की है? भलाई की है। हाँ। तो भलाई की भैंस भाई साहब का नाम क्या आपका? लाड़ सिंह। तो भाई साहब से संपर्क करके और भैंस घर से अगर दूध लगा के लेना चाहे तो ले सकता है। और मोबाइल नंबर क्या आपको? 8 9 8 9 5 9 6 4 6 1 6 4 6 1 1 2 2 2। जिस भी किसान भाई को खरीदना हो तो ये वाली भैंस है, जिस भी किसान भाई को खरीदना हो तो संपर्क कर सकता है। एक बार इसका पीछे से जरूर बताना चाहूंगा, ऑर्डर क्वालिटी ये देख सकते हैं। इस टाइप के पशु भी आपको थोड़ा सा पशु हाटन मिलेंगे। और कुछ एक मैं सोच रहा हूँ कोई सी भारी भैंस मिल जाए दिख जाए, तो एक यहाँ पर एक एवरेज भैंसें जो रहती है वो आती है 6 से 7 लीटर तक की। और पानी जो है वो आ चुका है। और तो देख सकते हैं सभी किसान भाई, एक बाकड़ी भैंस भारी भरकम सी, इसकी डिटेल लेते हैं हम और बताते हैं कि क्या रेट की है ये। अगर बाकड़ी भैंसें भी अगर आपको ख़रीदना है तो भवरासा पशु मंडी के अंदर आपको बाकड़ी भैंसें जो है वो मिल जाएगी, लगेल भैंसें मिल जाएगी। और एक डिटेल बता जो कई डिटेल है कि
मांगने का तो 75,000। हाँ बच्चों मरे है मरी मरी को। हाँ एक महीना की जनी हुई दूध कितना लगी रही? एक महीना की लगे ले लगे ले। अच्छा तो फिर ये मतलब अभी कहीं दूध लगी रही की खुदी की दूध दे रही है? 4-4 किलो 4-4 किलो दे रही है। तो 4-4 लीटर दूध एक महीने की लगे ले, बाकी गारंटी नहीं है कुछ है। हाँ लगे की गारंटी नहीं। तो देख सकते हैं इस टाइप की भारी भैंस है भाई, इसे संपर्क कर सकते हैं आप। गाँव आपका? पिपलिया राव। नाम? देवकरण गुजर। देवकरण गुजर भाई, जो की भारी भैंसों के शौकीन। और तानी भैंस भी लाया करो क्या? तानी भी लावानी। कदे लाओ यार, थी थी तब आया था। अच्छा तो देख सकते हैं, बता रहे हैं तानी भैंस थी लेकिन बिक चुकी है। तो इस टाइप की भारी भैंस है, अगर खरीदना हो तो भाई से ऐसे यहाँ पर भौरासा के बाजार में आके वो संपर्क कर सकता है। देख सकते हैं आपको यहाँ पर सब टाइप के पशु मिलेंगे, बाकड़ी भैंसे भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी आपको, ये देख सकते हैं। और पानी काफ़ी तेज आ चुका है, उसके बावजूद भी अभी जब तक हम सब रहेंगे अब तक तो वीडियो बनाएंगे। मोबाइल पूरा भीग चुका है। क्या कीमत कर रहे हो भाई साहब इसकी? 50,000 बाकड़ी है। बाकड़ी है। अच्छा 50,000 रुपए की बाकड़ी भैंस। दूध दूध लग रही नहीं लग रही? लग रही है। 4-4 किलो 4-4 किलो लग रही है। अच्छा 4-4 लीटर दूध लग रही है। और बाटा से दे रही का इंजेक्शन लगाना होगा? बाटा से लगे लगे ले अभी नहीं है। 15 दिन की या 7 महीने की ग्यावन है, देख सकते हैं 7 महीने की ग्यावन भैंस। इस टाइप के भी पशु अगर आपको खरीदना हो तो आपको भौरासा पशु मंडी के अंदर मिल जाएंगे। और कीमत क्या कर रहे हो उसकी? 80,000। गाँव? खजूरिया खेड़ा। खजूरिया खेड़ा खजूरिया। नाम क्या आपका? गणेश गुजर। गणेश गुजर। और भौरासा पशु मंडी में आकर और ले सकता है। तो देख सकते हैं आप, पूरी मंडी जो है वो गुरुवार के दिन लगती है। और मिल जाएगी 5-5, 6-6 महीने की लगे भी इस टाइप के पशु आपको भौरासा पशु मंडी के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और मोबाइल मेरा जो है वो पूरी तरह से गीला हो चुका है, अभी पानी तेज आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये देख सकते हैं भौरासा की पशु मंडी बिल्कुल रोड पे लगती है। धन्यवाद।